हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं मोहन सुथार। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, जो कोई स्टूडेंट्स या जो व्यक्ति कहीं से भी टेली प्राइम जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं या टेली प्राइम सॉफ्टवेयर जैसे किसी अकाउंटिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भी जब भी कोई व्यक्ति टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीख के किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उस कंपनी में जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं, अब उनसे जब ये बात बोलते हैं किसी भी ऑफिशियली रिकॉर्ड को देख के भी, आप हमें इस रिकॉर्ड के आधार पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करके दिखाओ। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलतियां कर देते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानकारी के अभाव में गलतियां कर बैठते हैं। तो जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं वो इसी की गलती को, मतलब आपकी उनकी नज़र रहती है भी ये जो स्टूडेंट्स है ये कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, और उसी गलती के आधार पर आपका IQ वो चेक कर लेता है भी इसने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को कितनी अच्छी तरीके से सीख रखा है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हो, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ अगर आपके साथ भी कहीं भी किसी कंपनी में इंटरव्यू के दौरान अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो और इस वीडियो को देखने के बाद जो नॉलेज आपको मिला है, क्या ये नॉलेज आपको पहले से था या इस वीडियो को देखने के बाद मिला है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि अगर आपके कमेंट के आधार पर ही हम आगे इन फ्यूचर इसी टाइप के वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे, जिससे कि आपको आगे ज़्यादा कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, अब जैसा कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रखा है, और जाते ही आपके सामने ये इस टाइप का वाउचर आपके सामने रख दिया, या स्क्रीन के सामने हो सकता है या वर्बली आपसे पूछा जा सकता है भी आप इस रिकॉर्ड के आधार पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी आपको क्रिएट करनी है। तो दोस्तों, टेली प्राइम को सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर लेंगे इजीली तरीके से, और हमें पता है भी हम कंपनी भी यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, एंटर हम प्रेस करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, जैसे आपके सामने ये वाउचर ओपन है, तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था भी कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर के अंदर गलतियाँ कर बैठते हैं। अब गलतियाँ क्या हो गया, उसने कुछ नहीं देखा, सिर्फ इस वाउचर के आधार पर उनको ये बोला गया था इस वाउचर के आधार पर आप टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करो। तो उसने क्या किया, जल्दबाजी के अंदर जो नाम है, जैसा कि आ रहा है दुर्गा ट्रेडर्स, उसने इस नाम को देखा और यहाँ पर टाइप कर दिया, और उसके बाद में एड्रेस, जो एड्रेस इसके ऊपर वाउचर पे जो लिखा हुआ है, नियर मेन नियर बस स्टैंड, और AGT जो टाइप कर दिया, उसके बाद में जो शॉप नंबर आ रहा है वो भी यहाँ पर लिख दिया। अभी आप देख रहे हो भी इसमें गलती क्या है, बिल्कुल सही तो टाइप हो रहा है ये, लेकिन गलतियाँ कहाँ होती है वो आपको मैं बताऊँगा, इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक आप देखना पड़ेगा। उसके बाद में जैसा कि आपने एड्रेस है जो सब कुछ लिख दिया, और स्टेट वगैरह भी आपने यहाँ से चूज कर लिया। अब मान लीजिए जैसे कि जयपुर है तो जैसी बात है स्टेट इसका राजस्थानी रहने वाला है, और इसी आधार पर ऊपर जो एरिया का इसका पोस्टल कोड है वो भी आपने डाल दिया होगा, सब कुछ ईमेल एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर जो कॉन्टैक्ट की डिटेल है सारी इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी, और फटाफट से आपने एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो दोस्तों, क्या ये जो कंपनी क्रिएट हुई है वो बिल्कुल सही तरीके से क्रिएट हुई है या इसमें कोई गलती रह गई है, तो आपको मैं बताऊंगा। तो लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ी जो गलती इसने क्या करी है, अगर आपने कोई इस वाउचर को देखे और इसी टाइप से कंपनी क्रिएट करता है, मान लीजिए जैसा कि कंपनी क्रिएट कर लिया, वापस हम एल्टर पे चलते हैं, तो जैसा कि ये देख रहे हो नाम है जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नियर बेस्ट एंड एड्रेस वगैरह सब कुछ लिख दिया, और उसके बाद में सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिक दे दिया इस वाउचर के आधार पे। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती क्या कर बैठते हैं, अब उनको ये तो देख लिया भी दुर्गा ट्रेडर्स नाम लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं उनसे ये बात नहीं पूछा भी हमें इस वाउचर के आधार पर हमें बनना क्या है, बनने का मतलब भी हम इसके अंदर कोई सेलर हैं या परचेजर हैं। सेलर का मतलब
या हमने इस वाउचर के आधार पे किसी प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट सेल किया है या हमने कोई प्रोडक्ट है जो परचेज किया है। अब मान लीजिए आपने परचेज किया है, आपकी कंपनी ने परचेज किया है, तो परचेज किया तो जाहिर सी बात है ये कंपनी बनेगी सेलर दुर्गा ट्रेडर्स, और जो परचेजर होगा जो आपकी कंपनी का जो नाम होगा वो आएगा फिर ये स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी। पहली गलती तो यहाँ पर कर बैठते हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू लेने वाले इस बात का कोई क्वेश्चन ही नहीं किया भी हमें इसमें से बनना क्या, दुर्गा ट्रेडर्स बनना है या फिर स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी बनना है। उन्होंने जल्दबाजी के चक्कर में दुर्गा ट्रेडर्स का नाम हेडिंग पे देखा और फटाफट जो टेली सॉफ्टवेयर में फटाफट से टाइप कर दिया। चलो टाइप भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फटाफट क्या किया उन्होंने, इंटर पास करते हुए इस वाउचर को, इस विंडो को उन्होंने सेव करने की कोशिश करी। लेकिन दूसरी गलती उन्होंने क्या करी, फाइनेंस ईयर की, ये जो फाइनेंस ईयर है ये उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया भी यहाँ पर हमें फाइनेंस ईयर क्या देना है। अब क्या देने का मतलब क्या हो गया, क्योंकि आजकल जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपकी जो सिस्टम की जो डेट चल रही होती है उसी डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइनेंस ईयर है जो ऑटोमेटिक यहाँ पर दे देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो फाइनेंस ईयर आ रहा है वो 1 अप्रैल 2022 का आ रहा है, यानी कि हम इस टेली सॉफ्टवेयर के आधार पर हम मान सकते हैं भैया इस बुक्स के अंदर हम 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का अकाउंटिंग वर्क करेंगे, यानी कि दो फाइनेंस ईयर 22-23 का वर्क है जो रहने वाला है। लेकिन जो इनवॉइस के ऊपर डेट है वो आप डेट देख सकते हो 5 अगस्त 2021 की है, तो यानी कि इसके आधार पर हमारा फाइनेंस ईयर क्या रहना चाहिए था, 1 अप्रैल, यहाँ पर हम चल लेंगे फाइनेंस, 1 अप्रैल 2021 रहना चाहिए था। क्यों रहना चाहिए था, क्योंकि इनवॉइस के ऊपर जो डेट आ रही है वो फाइनेंस ईयर 21-22 की आ रही है, क्योंकि फाइनेंस ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये जो डेट है 5 अगस्त 2021, यानी कि इसके आधार पर जो इसका जो फाइनेंस ईयर है वो 1-4-2021 से स्टार्ट हो चुका है और ये एंड कब हो जाएगा, 31-3-2022 को। लेकिन टेली सॉफ्टवेयर में क्या किया, जल्दबाजी के चक्कर में 1 अप्रैल 2022 था और उसी को 22 को ही 22 रहने दिया। तो आपको ये भी विशेष कर ध्यान में रखना है कि जो डेट इस इनवॉइस के ऊपर है वो डेट क्या रही है, डेट 5 अगस्त 21 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता 5 अगस्त 2022 तो आप 1 अप्रैल 2022 आपका फाइनेंशियल ईयर था वो बिल्कुल सही था। अगर यहाँ पर होता 5 अगस्त 2020 तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर आपका 2021 का ये वर्क है, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 का। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात, आपको ये चीज़ें जो कॉन्टैक्ट की जो डिटेल्स होती है ये सारी की सारी आपको फिलअप करनी होती है अगर आप फर्स्ट टाइम किसी बड़ी कंपनी के अंदर जो कंपनी क्रिएट कर रही हो तो, क्योंकि अब हो सकता है इस इनवॉइस के ऊपर प्रॉपर डाटा नहीं है, लेकिन आपको ये डिमांड इंटरव्यू से करनी पड़ेगी भी आप हमें डिटेल एक बार आपके पास है तो आप हमें प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि ये जो डिटेल्स है ये सारी की सारी डिटेल्स आपकी जब हम कंपनी में आगे जाके वर्किंग करनी स्टार्ट कर देते हैं तो उसके दौरान हमें जो ई इनवॉइस बनाना होता है या फिर ई बिल जो बनवाना होता है, ई वे बिल, उसके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जो आपका सॉफ्टवेयर का डाटा वो सब कुछ यहीं से तय करता है भी आपका स्टेट कौन सा है, आपका एरिया का पोस्टल कोड क्या है, क्योंकि जो किलोमीटर की जो दूरी तय होती है वो आपके उसी के अकॉर्डिंग ही तय करता है। अगर आपने डाटा यहाँ पर अगर आपने मिसमैच कर दिया या डाटा आपने अदर दूर लिख दिया तो आपका जो आगे की जो रिपोर्टिंग है वो प्रॉपर सही तरीके से नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी गलतियाँ जो अकाउंटेंट लोग कर देते हैं जो पहली बार केवल टेली सॉफ्टवेयर को सीख के ही जाते हैं, तो इस टाइप की गलती से आपको बचना होगा। अगर ये इंटरव्यू लेने वाला ये बोल देता कि हमारी कंपनी है जो सेलर है, हम इस इनवॉइस के आधार पर हमने सेल किया है, तो आपने दुर्गा ट्रेडर्स आपका नाम बिल्कुल सही है। अगर कंपनी इंटरव्यू लेने वाला ये बोल दे भी हमारी जो कंपनी है वो इस इनवॉइस के आधार पर हम खरीदार हैं यानी कि परचेजर हैं, तो उसके दौरान आपको टेली सॉफ्टवेयर में इस कंपनी का जो नाम स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी है ये बनाना पड़ेगा, और उसके बाद में ये जो प्रॉपर एड्रेस की डिटेल है या फिर ये जो हमारी जीएसटी नंबर की डिटेल है ये आपको प्रॉपर सही तरीके से फिलअप करनी पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ नॉलेज मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।